नमस्कार धरित्री अपराह्न को स्वागत करछु नक्षत्र प्रथम हेडलाइंस बुलेटिन रो प्रायोजक एसएसटी डेवलपर्स फॉर ए हैप्पियर लाइफ। रेकर्ड भांगुछि ताती, राज्य में जारी भीषण ग्रीष्म प्रवाह, आहुरी पांच दिन असह्य ताती ने सतर्कता जारी कला पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। रविवार 13 जिला को रेड वार्निंग। सारा राज्य में तातीर कर्फ्यू, देशर उत्तप्त सहर भावे तालिकार स्थान पाइला भुवनेश्वर। विगत 12 दिन हेब 40 डिग्री उपर राजधानी ताती। गतकाली ट्विन सिटी कटक भुवनेश्वर को रेड वार्निंग जारी करथिला आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। ओडिशा गस्तरे दुई जातीय दलर केन्द्रीय नेता प्रचार मैदान को सरगरम करने को राहुल गांधी और जेपी नड्डा हाई वोल्टेज कैंपेन। उत्साहित कर्मी चलचंचल उभय कांग्रेस और भाजपा शिविर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन रो पुणी अध्यक्ष हेबे नवाज शरीफ। तीन थर पूर्वतन प्रधानमंत्री नवाज चीन रु फेरिबा पोरे दलर नेबे नेतृत्व। पानामा पेपर्स मामलें छंदी हुई सुप्रीम कोर्ट को निर्देश रे 2017 रे त्याग करथिले अध्यक्ष पद। दक्षिण चीन रो गुआंगझोरे भीषण घूर्णिझड़, 5 जन को मृत्यु सह 33 आहत नहीं सरकारी सूत्र रु सूचना। घूर्णिबलय परे भीषण वर्षा आनी बन्या परिस्थिति, विपद रे लक्ष लक्ष लोकों जीवन। वर्तमान नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। रेकर्ड भांगुछि ताती, राज्य में भीषण ग्रीष्म प्रवाह जारी रही। आहुरी 5 दिन असह्य ताती नहीं सतर्कता जारी कर आंचलिक पाणिपाग केन्द्र। प्रबल ताती पाई आज 13 जिला को रेड आलर्ट जारी होई। उत्तर आभ्यंतरीण और पश्चिम ओडिशार जिलागुड़िक तापमात्रा अधिक रहिब। 15 जिला को ऑरेंज और 2 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाई। विशेषकर आगामी 3 दिन पर्यंत 30 जिला चेतावनी परिसर में रहिब। 3 दिन पर ओडिशार हीट वेवर स्थितर परिवर्तन संभावना रही। आगक कौनसी बड़ वर्षार संभावना नथिबा बेले मे मास द्वितीय सप्ताह पर्यंत राज्य में एभली स्थिति लागि रहिब। आवश्यक नथिले दिन 11टारु 3टा मध्यरे घरु बाहरिबाकु पाणिपाग विभाग पक्षरु बारण करा जायछि। गतकाली 44.7 डिग्री सह अनुगुल राज्यर उत्तप्त सहर होइथिबा बेले ता पछकु रहिथिला भुवनेश्वर ओ बारिपदा। भुवनेश्वर 44.6 डिग्री एवं बारिपदा 44.2 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइथिला। सारा राज्य में तातीर कर्फ्यू, ट्विन सिटी को रेड आलर्ट। देशर उत्तप्त सहर तालिकार भुवनेश्वर, 5 दिन पर्यंत तातीरु नहीं निस्तार। सतर्कता जारी कला पाणिपाग केन्द्र। पीक आवर रे घातक होइपरे निशा सेवन। 29 तारीख पर सामान्य ताती कमिब। दक्षिण उपकूलवर्ती ओडिशा और पार्श्वर्ती जिलागुड़िक सामुद्रिक वायु प्रभाव संभावना रही। किछि जिलारे कालबैशाखी वर्षार संभावना रही। एप्रिल मासर 2010 परर सबुठारु बड़ स्पेल ग्रीष्म प्रवाह बोली सूचना देछि पाणिपाग केन्द्र। विगत 12 दिन हेब राजधानी तापमात्रा लगातार 40 डिग्री उपरे रहुछि। 2016 एप्रिल 11 तारीख रे भुवनेश्वर 45.8 डिग्री छुइंथिला। तातीर प्रकोपरु बंचिबा पई पाणिपाग विभाग पक्षरु सतर्कता जारी करा जायछि। काम नथिले दिन 11टारु 3टा पीक समय मध्यरे घरु न बाहरिबाकु परामर्श दिया जायछि। ओडिशा गस्तरे दुई जातीय दलर केन्द्रीय नेता, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशारे प्रचार मंग धरिछन्ति। राहुल कटक सालेपुर रे हाई वोल्टेज कैंपेन करिछन्ति। सेहिपरी जेपी नड्डा गस्त पाई ब्रह्मपुर रे प्रस्तुति होईछि। अपराह्न 4:30 जेपी नड्डा भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचिबे। स्वतंत्र विमान जोगे ब्रह्मपुर रंगेलुंडा को जाई संध्या 5:30 ब्रह्मपुर आंबपुआरे आयोजित जनसभा को संबोधित करिबे। 6:45 कार्यकर्ता बैठक में जोगदेबा परे आसंता काली दिल्ली फेरिबे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन रो पुणी अध्यक्ष हेबे तीन थर पूर्वतन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। चीन गस्तरु फेरिबा परे दलर नेतृत्व नेबे शरीफ। पानामा पेपर्स मामलें कौनसी साधारण पदवी में रहीपारे ना बोली 7 वर्ष तले अर्थात 2017 सुप्रीम कोर्ट दर्शाई थिबारु से अध्यक्ष पद त्याग करिथिले। आसंता मे 11 तारीख में दलर अध्यक्ष भावे निर्वाचित करा। दरियापारी अंचल में विपुल संपत्ति ठूल करिथिबा अभियोग क्रमे शरीफ दोषी सब्यस्त होबा परे पदत्याग करने को पड़ा। पीएमएलएन नेता राणा सानाउल्ला कहिछन्ति नवाज को पुणी अध्यक्ष करिबा लागि दलर बैठक में निष्पत्ति होईछि। अतीतरे होईथिबा षडयंत्र क्रमे पदत्याग करने को पड़ा।
ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗରୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପରେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନାଉଲ୍ଲା। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବା ପରେ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ନୱାଜ। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ବାସନ ସାରି ଲଣ୍ଡନରୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଦଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେହୱାଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ର ଗୁଆଙ୍ଗଝୋରେ ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଅନ୍ୟ 33 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୀନ୍ର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଧାରରେ ସିଏନ୍ଏନ୍ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। 1,90,00,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଆଙ୍ଗଝୋ ସହର ସ୍ତର 3 ତୀବ୍ରତା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର 5 ଠାରୁ 2 ଗୁଣ କମ୍ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି। ଜିନ୍ହୁଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ 141 କାରଖାନା କୋଠା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆବାସିକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ନାହିଁ। ବାୟୁନ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଆଙ୍ଗଟିଆନ୍ ଗାଁର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ 20.6 ମିଟର ପବନ ବହିବା ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ରାତି 10:00 ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚାଇନାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଉଦ୍ଧାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଣିରେ ଫସି ରହିଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ଧରିତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.dharitri.com। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ। SST ଡେଭଲପର୍ସ ନେଇ ଆସିଛି ଅକ୍ଷତା ଭିଲାସ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତାହା ପୁଣି ହାଇଟେକ୍ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତାରେ। ମାର୍ବଲ ଠାରୁ ଡୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ 8260065195।